हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज माल। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस में कार्यपालिका से संबंधित जितने भी एमसीक्यू हैं इम्पॉर्टेंट और जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, उन सारे की डिटेल और प्लस उन सारे एमसीक्यू का हम लोग टेस्ट लगाएंगे, जो कि आपको ये जनरली सभी कॉम्पिटिशन में, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या बिहार एसएससी की या फिर बिहार पुलिस या बिहार एसआई दरोगा के मेंस की या पीटी की, जनरली जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और अगर आप ये भी देखना चाहते हैं कि इस एमसीक्यू में आप कितने स्कोर कर पाते हैं, तो एमसीक्यू भी आप इसका लगा सकते हैं। फिलहाल थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका में एक है कि संघ की कार्यपालिका और एक होती है राज्य की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका के बारे में जानेंगे और राज्य की कार्यपालिका, यहाँ पे कि भाग 5 के अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। वहीं भाग 6, दोनों को याद रखिएगा, ये भाग 5 में और ये भाग 6 में, इसमें अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है। ये दोनों मैंने इसलिए रखा है ताकि आपको अच्छे से याद करना हो और इसमें आसानी हो। फिर है कि संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। कई बार आपको ऐसे भी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि इनमें से कौन संघ की कार्यपालिका में शामिल नहीं है, तो आपको ये याद रखना होगा कि कौन कौन से शामिल है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। वहीं राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं। भारतीय संविधान में दोहरी सरकार की व्यवस्था है। दोहरी सरकार का मतलब है कि एक केंद्र तथा दूसरे राज्य में। भारतीय संविधान केंद्र तथा राज्य दोनों में संसदीय सरकार की व्यवस्था करता है। वहीं पे आप याद रखिए कि केंद्र के लिए संसदीय व्यवस्था अनुच्छेद 74 तथा अनुच्छेद 75 के माध्यम से किया गया है और राज्य के लिए संसदीय व्यवस्था अनुच्छेद 163 तथा अनुच्छेद 164 के माध्यम से किया गया है। ये सारे पॉइंट्स मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि ये बराबर एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं। अब देख लेते हैं ये सारे अनुच्छेद में क्या वर्णित है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद होगा और जिसका प्रमुख की प्रधानमंत्री होगा। वहीं अनुच्छेद 163 में यहाँ क्या है कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए राज्य मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है। केंद्र में जो स्थान राष्ट्रपति का है वही स्थान राज्य में राज्यपाल का होता है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। वही 164 में क्या है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा एवं मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। सेम है, आपको ये याद रखने में बहुत ही आसानी होगी, इसलिए मैंने इस तरह से करके दिया है। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति के बारे में एमसीक्यू लगाएंगे, फिर उपराष्ट्रपति, फिर जिस तरह से करके दिया गया है संघ की कार्यपालिका और राज्य, इन दोनों के बारे में हम लोग एमसीक्यू लगाते जाएंगे। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है एवं राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक होता है भारत के राष्ट्रपति। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू लगाते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है या किस अनुच्छेद में वर्णित है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है या अनुच्छेद 53 में वर्णित है। राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका संबंधी समस्त जितने भी शक्तियां होती है, समस्त शक्तियों का प्रयोग स्वयं या फिर अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। फिर अनुच्छेद 52 के बारे में जान लीजिए कि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान है और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति यानी कि चुनाव का तरीका वर्णित है। इन दोनों में कंफ्यूजन मत होइएगा, 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जितने भी प्रावधान है वो किए गए हैं, लेकिन 55 में क्या है उनके निर्वाचन का तरीका,
ये वर्णित इसमें अनुच्छेद 55 में किया गया है। अगला है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, राज्य की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पूछा गया था कि निर्वाचक गण में कौन सम्मिलित नहीं है, तो ये सम्मिलित नहीं होते हैं। राज्य के विधान परिषद के निर्वाचित हो या फिर मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं होते हैं, याद रखिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ये याद रख लीजिए कि इसमें से शामिल कौन कौन से होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होने वाले सदस्य कौन कौन है, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदन यानी कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। फिर है कि राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कि कुल मिलाकर आप इतना याद रखिए कि निर्वाचित सदस्य ही इसमें शामिल होते हैं, मनोनीत नहीं। लेकिन उसमें भी याद रखिए कि विधान परिषद के निर्वाचित हो चाहे मनोनीत, ये शामिल इसमें नहीं होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए उनकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, देश का नागरिक हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अगला है क्वेश्चन, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अपने पद ग्रहण करने के दिन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके देते हैं। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, संसद द्वारा। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सॉरी यहाँ पे उच्च है, उच्चतम होगा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति अपने पद की शपथ जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, या अगर वो अनुपस्थित हो तो उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 61 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 दिन पूर्व। और ये जो सूचना है, यह सूचना सदन के कुल सदस्य संख्या का कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। अगला है क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अगला है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में वो शामिल है लेकिन महाभियोग में शामिल नहीं होता।
आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, राज्यों की विधानसभाएं इसमें शामिल नहीं होती है, जबकि ये जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय शामिल होता है। अब जान लीजिए कि इनके महाभियोग में कौन कौन शामिल होते हैं। तो सबसे पहली बात, संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, इनके निर्वाचित सदस्य तो भाग लेते थे निर्वाचन में, मनोनीत नहीं लेते थे भाग, लेकिन महाभियोग में इनके निर्वाचित सदस्य के अलावा मनोनीत सदस्य भी इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज और जानिए कि राज्य विधानसभा और दिल्ली तथा पुदुचेरी के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं इसमें भाग नहीं लेते हैं, जबकि ये सभी निर्वाचन के समय इसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था कि निर्वाचन में शामिल हो लेकिन महाभियोग में नहीं, तो आंसर क्या होगा, राज्य की विधानसभाएं। क्वेश्चन है अगला कि पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, रिक्ति होने की तिथि से 6 माह के भीतर। अगला क्वेश्चन कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तथा उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसमें क्वेश्चन आप यहाँ पे ऐसे याद रख लीजिए कि राष्ट्रपति अगर किसी कारण से अनुपस्थित हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, और अगर वो भी अनुपस्थित हो तब सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश इसके कार्यवाहक के रूप में काम करेंगे। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति में। संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन उनकी जो वास्तविक शक्तियां होती है वो प्रधानमंत्री एवं उसके मंत्री परिषद में निहित होती है। अगला है क्वेश्चन कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है किनके द्वारा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति संसद की बैठक को बुला सकता है, सत्रावेशन कर सकता है, संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकता है, ये सभी आप याद रखें, लेकिन संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस एक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, और यह अनुच्छेद 74 का क या फिर एक आप कह सकते हैं में यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 123। अगला क्वेश्चन कि एक राष्ट्रपति अध्यादेश कब तक लागू रह सकता है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 6 माह तक। किसी भी अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह तक हो सकती है तथा संसद की मंजूरी न मिलने पर यह 6 हफ्तों की होती है।
अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 143। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति निहित है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 72। अगला है कि राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक या कैसी शक्ति है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, न्यायिक शक्ति। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। क्वेश्चन है अगला कि भारत के राष्ट्रपति एकमात्र मामले में अपनी पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया है, वह कौन सा मतलब कि मामला था? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, भारत डाकघर विधेयक के मामले में। और इस वीटो का प्रयोग 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्न वीटो शक्ति में से कौन सा एक अमेरिकी राष्ट्रपति को प्राप्त है लेकिन भारतीय राष्ट्रपति को नहीं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, विशेषित वीटो यानी कि क्वालिफाइड वीटो। चार प्रकार के वीटो हैं जिसमें कि ये ऑप्शन नंबर बी विशेषित वीटो या अमेरिकी राष्ट्रपति को केवल प्राप्त है लेकिन भारतीय राष्ट्रपति को ये प्राप्त नहीं है। बाकी के जो तीन ऑप्शन है ये सभी भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रपति में अध्यादेश का प्रावधान किस अधिनियम से लिया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत। क्वेश्चन है अगला कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 352, अनुच्छेद 352 के तहत। अगला है क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 360। और राष्ट्रपति शासन पूछा जाएगा तो आंसर होगा आपका अनुच्छेद 356। तो ये 28 क्वेश्चंस थे, इसमें कार्यपालिका में भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट मुझे लगे और जो एग्जाम में आए हुए थे उन सारे क्वेश्चन को मैंने रखा। और हाँ, बेहतर और भी होगा जब आप इसे किसी भी बुक को लेकर आप इसे डिटेल में पढ़ लें, तो अगर कोई भी क्वेश्चन को थोड़ा सा अलट पलट करके पूछा जाता है तो आप उसका आंसर बहुत ही इजीली दे सकते हैं। और हाँ, इसकी अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे वेबसाइट पे दे दी जाएगी, आप वहाँ से चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।